बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का 6 पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 पार्ट है। 3x² + 8x + 2 = 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a = 3, b = 8 एंड c = 2। देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, एंड b की वैल्यू 8 है। इसी तरह हम 8² - 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2/2a। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। 8² = 64 माइनस 4³ = 12, 12² = 24। देन 64 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। अब हम 40 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 40 के फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 2s = 4 एंड 0। इसी तरह 2 10s = 20, यानी कि 2 2 and 10 फैक्टर्स बन गए। 2 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, 2√10। हम 2√10 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देन 8 and 2√10 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस 4 + −√10 ओवर, मैंने 6 को 2 × 3 राइट कर दिया। 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग −4 + −√10/3। और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, या हम इसको रूट्स भी कह सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पार्ट नंबर 7 है। 3/(x-6) - 4/(x-5) = 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। x-6 और x-5 आ गया। x-6 से कैंसिल। x-5 × 3 - 4 × x-6 = 1। देन हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x - 15। इसी तरह -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4x + 64। −+ x-6 × x-5 डिवाइड हो रहे थे और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x × x-5 −6 × x-5, x² - 5x, देन −6x, −+6, 5 = 30। और ये हमारे पास −x + 9 बच गया। अब −x + 9 को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। x² - 11x + 30, यहाँ पे −x था, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 9 प्लस का था, राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, = 0। अब x² - 11x है और +x है, −+ −। हम 11 में से x माइनस करेंगे, −10x, और 30 में से 9 माइनस करेंगे तो +21। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। हम इसको कंपेयर करते हैं। a = 1, b = −10, c = 21। अब हम फार्मूला राइट कर रहे हैं। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, एंड −10 b की वैल्यू। इसी तरह −10² −4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 21 ओवर 2a। −-+ 10 + −10 का स्केयर हमारे पास 100 आता है। −21 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। 100 में से 84 माइनस करेंगे 16, 16 का स्केयर रूट 4 होता है, यानी कि 10 + −4/2। अब हम एक बार इसको प्लस में राइट करते हैं और एक बार माइनस में राइट करते हैं। 10 + 4/2 14/2 आएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 10 - 4/2, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि सॉल्यूशन सेट है हमारा 7 and 3। 8 पार्ट है हमारा। x + 2/(x-1) −4 − x/2x = 2, 1/3। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। एलसीएम लेते हैं x-1 और 2x। इसी तरह x-1 से कैंसिल। 2x × x + 2 −x-1 × 4 − x = 3, 2s = 6 + 1 = 7/3 राइट करेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
एक्स माइनस वन और इंटू टू एक्स को, टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स, इसी तरह टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस, अब एक्स माइनस वन और फोर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर एक्स माइनस फोर देन माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स, और माइनस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा भाई। अब माइनस से सारी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, फोर प्लस का हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस का और एक्स माइनस का। अब ये प्लस फोर एक्स से माइनस फोर एक्स से कैंसिल आउट हो गए, टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर और माइनस एक्स, इसी तरह टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स। अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जरूरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन सेवन इंटू टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स और थ्री इंटू थ्री एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस फोर, थ्री थ्री जर नाइन एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर्टीन एक्स स्केयर माइनस फोर्टीन एक्स। अब हम सारे इक्वेशन को राइट साइड पर लेके जाते हैं इन वैल्यूज को और इक्वेशन बनाते हैं इज इक्वल टू जीरो पे, फोर एक्स स्केयर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस नाइन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, इनकी अलामतें दूसरी तरफ जाके माइनस चेंज हो गई, फोर्टीन एक्स स्केयर माइनस नाइन एक्स स्केयर फाइव एक्स स्केयर माइनस फोर्टीन एक्स में से थ्री एक्स माइनस करेंगे तो माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू फाइव, बी इज इक्वल टू माइनस इलेवन, सी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, देन हम फार्मूला राइट करेंगे, माइनस में प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए स्केयर एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं माइनस फार्मूला का, और माइनस इलेवन बी की वैल्यू है प्लस माइनस माइनस इलेवन का स्केयर माइनस फोर फाइव ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व, मल्टीप्लाई करते हैं, इलेवन का स्केयर वन ट्वेंटी वन माइनस माइनस प्लस फोर फाइव जार ट्वेंटी, ट्वेंटी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर्टी आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, वन ट्वेंटी वन प्लस टू फोर्टी को थ्री सिक्सटी वन, थ्री सिक्सटी वन स्केयर रूट है नाइनटीन का, इलेवन प्लस माइनस नाइनटीन ओवर टेन, एक्स इज इक्वल टू इलेवन प्लस नाइनटीन ओवर टेन, एक बार हमने प्लस में राइट कर लिया और एक बार माइनस में, इलेवन माइनस नाइनटीन ओवर टेन, इलेवन में नाइनटीन ऐड करेंगे तो थर्टी ओवर टेन, इसी तरह इलेवन में नाइनटीन में से इलेवन माइनस करेंगे माइनस एट ओवर टेन, टेन थ्री जार थर्टी, इसी तरह टू फोर जार एट, टू फाइव जार टेन, हमारा सोल्यूशन सेट आया थ्री माइनस फोर ओवर फाइव। हमारे दो पार्ट रह गए इस एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।